ही है जो बिछड़े हुए भाई। पर मुझे नहीं लगता है कुछ जो फॉर्मेट है, जो लीगल फॉर्मेट की वजह से दो अलग अलग खेमे में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं डैनियल मुर्मू, राष्ट्रीय प्रचारक जय आदिवासी युवा शक्ति। आज सरकार और उनके तंत्र हमारे जयस के आंदोलन से थर्राए बैठे हुए हैं। हमारा मिशन है मिशन 2018, इसी जगह पे 1 करोड़ लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। हैरानी की बात है, लोग हैरान है। मैं बात करूंगा हमारे ये जो 1 करोड़ की जो बात आ रही है, लोग सोच रहे कल्पना मात्र है, लोग कल्पना सोच रहे, गवर्नमेंट भी सोच रहे कल्पना है। जब भीड़ यहाँ पे होगी तो सच्चाई सामने होगी। भाई ने जैसे बताया कि किस प्रकार से हमारा जो एक रिसर्च था धार के अंदर में अपने बच्चों को आदिवासियों के बारे में बताया, पहली बार आपको समझता है क्योंकि कुछ लोग जो तिलक भाई लोग हैं हम आदिवासियों को वनवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वनवासी बोलते हैं। क्या मैं आपको जानवर नजर आता हूं? वनवासी कौन है जो जंगल में जानवर रह रहे हैं? सोचिए उनकी मानसिकता, हमारी तुलना जानवरों साथ की जा रही है। वनवासी आश्रम खोले जा रहे हैं, जैसे सर्कस में ट्रेन करते हैं ना जैसे जानवरों को रिंग मास्टर, उनको नहीं मालूम कि आदिवासी कितना विकसित है। मोहन जो लोग हड़प्पा संस्कृति लोग सोचते खत्म हो गए, इतिहास बना दिए। आप हमारे क्षेत्रों में आके देखिए, शेड्यूल 5 क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, संवैधानिक बातें कर रहा हूं, कल्पना नहीं कर रहा हूं। यहां बहुत सारे लोग आदर करते हैं हमारे बाबा भीम साहब साहब का। मैं आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज लेके आ रहा हूं, उनका जय जयकार करने से वो जय के लायक है, पर क्या आप संविधान पढ़ते हैं? आपके घर में क्या संविधान का किताब है या धर्म किताबें हैं? जैस ने बेड़ा उठाया है, एक एक आदिवासियों के हाथ में ये संविधान की किताब देंगे, और जो सक्षम नहीं है इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एक एक जवान उसका अध्ययन कर रहा है, संचालन हो रहा है। 1000 के बराबर है हम, 1000 के बराबर है, ठीक है। और बहुत खास करके एक मीडिया का जो सवाल है उसका मैं उत्तर देना चाहता हूं। खासकर ING24 में हीरा लाल अलावा जो हमारे संरक्षक है, युवा व्यक्ति है, उनसे पूछा गया क्या फंडिंग कहां से कर रहे हैं, क्या विदेशी फंडिंग है या कोई पार्टी से फंडिंग आ रही है, कहां से फंडिंग आ रही है? आदिवासी भिखारी नहीं है वो, दूसरों को हमेशा दिया है, देश को बहुत सारे खनिज दिए हैं खुद बर्बाद होकर के। आज हमारे आदिवासी 1 किलो चावल और 1 रुपया का मुहिम है, सभी घर से इकट्ठा होते हैं और ये सेल्फ फंडेड आंदोलन है। मैं इसलिए यहाँ पे आया था कि आपको बताए, और जितने मीडिया वाले मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, डिबेट के लिए तैयार हो जाइएगा। हमारे अरे जवान आपका सर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एक थोड़ा सा मैं आपको एक अवेयरनेस प्रोसेस कुछ बातें में रखा, और मैं चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है ये दबे कुचले पिछड़े जो लोग हैं उनका आंदोलन है, वे लोग जिनको जिनको हाशिए में रख दिया गया, जो जिसके बारे में कोई जानते नहीं है, फिल्मों में उनको अलग तरह से चित्रित किया जाता है, अनएजुकेटेड चित्रित किया जाता है। आपको बता दूं कि हमारा जो संचालन है ग्राम सभा शुरू होता है, हमारा नारा है विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। आज सरकार ने ग्राम सभा को डैमेज करके रखा है, रूढ़िवादी जो हमारी सभ्यता है खत्म कर रहे हैं, भारी लोग घुस करके दूषित कर रहे हैं। हम उनके लिए नहीं विरोध करते हैं जो 1932 से पहले रहते आ रहे हैं, वो लोग जो कंपनियां जो घुस गई है
आपको पता होना चाहिए कि जो वहां पे किसी भी बाहरी कंपनी का वहां पे जमीन लेना बहुत मुश्किल, वहां पे सेल परचेज नहीं होता है। इसके बावजूद भी कानून को तोड़ मरोड़ करके जो है उसको अपने तरीके से ढाल करके हमारे क्षेत्र को बर्बाद कर रहा है, आदिवासियों को बर्बाद कर रहा है। तो मैं आह्वान करूंगा कि हम सब जो पीड़ित लोग हैं एक प्लेटफॉर्म में आए और आह्वान करें ऐसे सरकार का जो हमें कुचलने पर लगी है। धन्यवाद।